नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हिंदी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें हिंदी की शुद्धता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, चूंकि आप स्वयं उस बैठक में मौजूद थे, तो किस तरह की चर्चाएं हुई और हिंदी को लेकर क्या योजनाएं बनाई गई? देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि विश्व हिंदी सम्मेलन, इसके पहले 9 हुए हैं, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको विदेश मंत्रालय कराता है। विदेश मंत्रालय इसलिए कराता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का शुरुआती उद्देश्य यह था कि हिंदुस्तान में तो हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान में तो हिंदी का विकास होता ही रहेगा, हिंदी को हम बाहर, इस देश की धरती से बाहर ले जाकर उसका प्रचार प्रसार कैसे करें। और चूंकि देश से बाहर होना है, इसलिए विदेश मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी बाद में सौंपी गई। अब मजे की बात यह है कि जब हिंदी का प्रसार हम बाहर कर रहे हैं, तो खुद देश में जब हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर हिंदी का प्रसार हम बाहर करके क्या हासिल कर लेंगे? अपने देश में ही हम उस हिंदी का उतना सम्मान, उतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसके पहले एक बार नागपुर में, उसके बाद दिल्ली में हो चुका था, और लगातार बाकी बाहर ही हुए हैं सम्मेलन। तो भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, देश का हृदय स्थल है, एक बड़े हिंदी राज्य की राजधानी है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ। इसके पहले के सम्मेलनों को लेकर मेरी भी और बहुत सारे लोगों की राय यह थी कि यह सम्मेलन बस एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग तफरी कर लेते हैं, क्योंकि देश के बाहर होता है, हिंदी के नाम पर विद्वता दिखाने वाले कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग बहुत सारे जुड़े हुए होंगे जो जाकर तफरी कर लेते हैं, घूम आते हैं, क्योंकि जो हिंदी को लेकर सचमुच काम कर रहे हैं, हिंदी की रोजी रोटी उनकी उससे चल रही है, वो लोग दिखाई नहीं देते ऐसे मंचों पर। चूंकि यहां था तो जुड़ने का मौका मिला, जुड़े तो लगा कि ठीक है, आयोजन हो गया, अच्छा हो गया, 3 दिन का तामझाम था और लोग आए, जुटे और चले गए। इसके आगे फिर अब 3-4 साल बाद इकट्ठा होंगे, फिर हिंदी की चिंता करेंगे, तब तक हिंदी शायद थोड़ी और पीछे ही चली गई होगी देश में। अच्छी बात यह लगी कि उसमें जो अनुशंसाएं आई थी, उन पर काम हो रहा है, उन पर बैठकें हो रही है, और उसमें एक अनुशंसा जो थी वो समाचार माध्यमों में हिंदी के प्रयोग को लेकर थी, और उसको लेकर जिम्मा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय को सौंपा गया था कि वो इस पर मेहनत करे, एक पहले कुछ अपने घर में काम करे और ये पता लगाए कि समाचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग दरअसल किस तरीके से हो रहा है, क्या भाषा वाकई, जिस तरह मंच से भाषण देना बहुत आसान है, 10-15 मिनट 20 मिनट में विद्वानों ने बड़ा रोदन कर दिया कि साहब हिंदी तो बिगड़ गई है, समाचार पत्रों की भी, टेलीविजन चैनलों की भी और डिजिटल माध्यमों की भी। अभी आपने वक्तव्य दे दिया, कुछ उदाहरण दे दिया और चले गए मंच से। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने दरअसल राहुल देव जी के एक अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसमें 2 और वरिष्ठ पत्रकारों को रखा गया, और उन्होंने वहां के और छात्रों की मदद लेकर 31 दिन के, यानी पूरे 1 महीने के, 8 अखबारों की जो प्रतियां हैं उनका अध्ययन किया और ऐसे शब्दों की सूची बनाई जो दरअसल हिंदी के नहीं है लेकिन अंग्रेजी से आते हैं सीधे। ऐसे करीबन 15,737 शब्द निकल कर आए जो अंग्रेजी के थे और इन 1 महीने के दौरान इन 8 अखबारों की प्रतियों में इस्तेमाल हुए थे। इससे आगे उन्होंने इसका 6 अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला भाग तो वो है जिसमें वो शब्द आए तो अंग्रेजी से हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अच्छा उपयुक्त हिंदी फिलहाल मिलता नहीं है और ऐसा लगता है कि इसका उपयोग करना ठीक है क्योंकि इसके बिना दूसरा कोई शब्द फिलहाल दिखाई नहीं देता। फिर इसको बढ़ते क्रम में उन्होंने ऐसे बनाए कि जो आए हैं लेकिन उसकी अच्छी हिंदी है लेकिन लोकप्रिय नहीं है, ऐसा करते करते 5वें क्रम पर हिंदी के वो शब्द हैं जिनका कॉलेज है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, जैसे प्लानिंग के लिए योजना बहुत अच्छा शब्द है, एडिटर है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके लिए अच्छी हिंदी उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल समाचार पत्रों में नहीं किया जा रहा है। तो ये तो पृष्ठभूमि थी जिस पृष्ठभूमि में इस बैठक का आयोजन दिल्ली में जवाहर भवन में किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने असम के चुनावी दौरे से लौट कर आई और उन्होंने लगभग 5 घंटे इस बैठक में उपस्थित रही। पहले उन्होंने अलग से जो पत्रकार हैं अलग अलग समाचार माध्यमों के, टेलीविजन चैनल के भी, डिजिटल माध्यमों के भी और अखबारों के भी, उनसे एक सभागृह में संक्षिप्त चर्चा की और उसके बाद एक अन्य बैठक कक्ष में उन्होंने हिंदी के लगभग सभी समाचार माध्यमों के जो बड़े नाम कहे जा सकते हैं, जो संपादक कहे जा सकते हैं, उनके साथ बैठक की। इस बैठक में 3.5-4 घंटे तक विमर्श किया, उस प्रस्तुति को दिखाया गया जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने तैयार की है। और अच्छी बात यह है कि इस पर कम से कम चिंतन तो हुआ, कुछ लोग राजी थे, कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग मानते थे कि इस बैठक का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम एक ईमानदार कोशिश की गई, ये मैं जरूर कहूंगा।
जेडी जी, संचार माध्यमों में इन दिनों जिस तरह की हिंदी का उपयोग किया जा रहा है, हम देखते हैं अंग्रेजी के शब्द बहुत ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं से हुई है कि एक समय था जब पत्रकारिता का दौर था, जब अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत तगड़ा था, और फिर कुछ ऐसे संपादक पत्रकार हमने देखे जिन्होंने हिंदी के लिए तन मन धन से जुटकर काम किया, उनकी सोच, उनकी मेधा हिंदी के शब्दों से, हिंदी की भाषा से, हिंदी की संस्कृति से जुड़ी हुई थी। राजेंद्र माथुर साहब का नाम उसमें सबसे अग्रणी इसलिए है कि वो अंग्रेजी के प्राध्यापक होने के बावजूद, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख पढ़ सकने के बावजूद हिंदी के इतने बड़े संपादक बने, और हिंदी को लेकर उनकी जो चिंता थी वो नवभारत टाइम्स में तो बहुत बाद में, उसके पहले नई दुनिया, जिससे उनका कार्यकाल शुरुआत हुई राहुल बारपूते जी के साथ, चूंकि उससे जुड़ने का मौका मिला, वहां पर उनके पत्र व्यवहार देखिए, राहुल बारपूते जी, रणवीर सक्सेना, राजेंद्र माथुर, अभय छजलानी जी और सरोज कुमार जी के बीच एक एक शब्द को लेकर जो पत्र व्यवहार होता था कि अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, कार्यवाही और कार्रवाई में क्या अंतर होता है, ये दरअसल हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तकें कई बार नहीं सिखा पाती, वो नाकाम हो जाती है। जैसे एक बड़े नामी और विद्वान संपादक जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने इस बैठक में ये तर्क दिया कि हिंदी पढ़ाने लिखाने का काम तो विद्यालय और महाविद्यालयों का है और हम पर ये जिम्मेदारी आप क्यों थोप रहे हैं, और हमारा काम तो लोगों तक सूचना पहुंचाना है और हम उस भाषा में सूचना पहुंचाएंगे जो सर्वग्राही हो, सबको समझ में आती हो, और उनको चूंकि अंग्रेजी बीच बीच में ठूंस कर हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आती, अपना ही तर्क गढ़ लिया अपने ही तरीके से, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप अकर्मण्य है। ये ठीक है, ये ठीक है कि जड़ असल में हमारी विद्यालयीन शिक्षा में छुपी है, और वहां पर हम कॉन्वेंट स्कूलों के जो संस्कृति है उसकी वजह से देख रहे हैं कि बच्चे चौथी पांचवी के बाद हिंदी पढ़ नहीं रहे, वो जो चौथी पांचवी तक पढ़ रहे हैं वो भी जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, और आजकल तो पांचवी में भी फ्रेंच या दूसरी विदेशी भाषा लेने का विकल्प बहुत सारे स्कूल दे रहे हैं। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी भाषा पर फिल्मों का, टेलीविजन का और अखबारों का बहुत तगड़ा असर होता है। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे भाषिक संस्कार में गर्व से कहना चाहता हूं कि नई दुनिया अखबार से आते हैं, पाठ्य पुस्तकों से बढ़कर किसी ने अगर मुझे हिंदी सिखाई तो अखबार ने, वहां काम करने से पहले, काम करने के बाद तो उसने जरूर बहुत सारे जो भ्रम थे भाषा को लेकर वो दूर किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने दिनमान और धर्मयुग पढ़कर, पराग पढ़कर, चंपक नंदन पढ़कर अपनी हिंदी को सुधारा है और उसने हिंदी, उनकी हिंदी की भाषा को प्रभावित किया है। ये दरअसल एक परिवेश की बात होती है, उसमें जब किस्से कहानियां आप उस भाषा में पढ़ते हैं, वो परिवेश पढ़ते हैं, तब आपको उस भाषा से जुड़ाव महसूस होता है। जैसे एक और बड़े नामी पत्रकार जो है हिंदी के और टेलीविजन चैनल पर एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिशियन शब्द जो है वो एक पूरे चरित्र की रचना करता है, कैरेक्टर की रचना करता है, और वो जब हम राजनेता कहते हैं तो वो कैरेक्टर सामने नहीं आ पाता, और इसलिए हमें पॉलिटिशियन शब्द, आपने गढ़ लिया उस चरित्र को, आप बार बार पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन कह के उस चरित्र को खुद गढ़ रहे हैं। राजनीतिज्ञ शब्द में क्या खराबी है, आप राजनीतिज्ञ कह के बार बार उसको जब चर्चित बनाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, तभी तो वो शब्द ना चर्चित होगा। तो ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कई व्यवहारिक पहलू भी सामने आए कि हिंदी की, चूंकि बड़ी समाचार एजेंसी इस वक्त कोई अस्तित्व में नहीं है, अच्छी समाचार एजेंसी के अभाव में जो लोग बैठे हैं पीटीआई और यूएनआई में, जो वहां से भाषा और वार्ता के जरिए कॉपी आती है, तो जो डेस्क पे लोग बैठे उनका समय भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है भाषा का, तो उस कॉपी को जस का तस इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसलिए बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द जो समाचार एजेंसी से आते हैं वो वैसे के वैसे ही समाचार माध्यमों में प्रभावित भी हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हिंदी की एक बड़ी समाचार एजेंसी की जरूरत महसूस की गई, और इस सारी जो दिलचस्प बहस हुई है उसका लब्बो लुआब यही है कि ये जो लड़ाई है इसको कुतर्कों से गढ़ा गया है, और तर्क के स्तर पर अब इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता, इसको भावभूमि पर लड़ना होगा। हिंदी हमारी समग्र चेतना से, भाषाई अस्मिता से जुड़ी हुई है, और इस तरह से अगर हम घुटने टेक देंगे कि साहब अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, तो आज जो सूची बनी है 15,000 शब्दों की, ये कब 30,000 पे पहुंच जाएगी और कब हिंदी अखबारों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर आप अंग्रेजी का अखबार निकालिए ना। एक बड़ा तर्क ये भी है मेरा कि जो लोग अंग्रेजी अच्छी पढ़ना चाहते हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स अपने घर में मंगा रहे हैं ना, फिर आप उनको अपने अखबार हिंदी के अखबारों के माध्यम से अंग्रेजी क्यों दे रहे हैं? हिंदी के अखबारों में तो हिंदी दीजिए ना, हिंदी की वेबसाइट पर तो हिंदी होनी चाहिए, हिंदी के टेलीविजन चैनल में तो हिंदी होनी चाहिए। जिसको हिंदी नहीं सुननी, नहीं पसंद, नहीं समझ में आती, नहीं देखना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता, अंग्रेजी के चैनल उपलब्ध है उसके पास। आप हिंदी में जबरदस्ती अंग्रेजी ठूस कर और गलत गलत तर्क गढ़कर कैसे कैसे तर्क आप गढ़ रहे हैं? मेरा तर्क यह है कि हमारी हिंदी दरअसल इसलिए कमजोर है क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हिंदी हमें आती है और अंग्रेजी हमें नहीं आती, इसलिए हम अंग्रेजी के अच्छे से अच्छे शब्दकोश को घर में रखते हैं। जब हम इंडियन एक्सप्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया में या दूसरे अंग्रेजी के किसी उपन्यास को पढ़ते हो, कोई कठिन अंग्रेजी का शब्द हमारे सामने आता है तो हम तुरंत उसको अंग्रेजी के शब्दकोश में देखते हैं और हम सोचते हैं हमारा शब्दकोश, शब्द भंडार जो है मजबूत हो गया, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, जैसा कि वो कहते हैं। लेकिन हिंदी का शब्द हमें नहीं आता तो हम कहते हैं हिंदी क्लिष्ट हो गई। भाषा कोई अपने आप में क्लिष्ट नहीं होती है,
एक सज्जन का कहना था आजकल समय किसके पास है, शब्दकोश कौन देखता है। अरे भाई जिसे भाषा नहीं समझ में आएगी और उसको समझना होगा, उसको अपनी भाषा को समृद्ध करना होगा, वो तो देखेगा। और कम से कम अखबार में बैठने लिखने पढ़ने वाले तो शब्दकोश को देखें, उसका अर्थ समझे फिर लिखे। आप उत्सव और जश्न के लिए सेलिब्रेट लिखकर उसको किस तरीके से न्याय संगत ठहरा सकते हैं। मैंने वहां एक शीर्षक पढ़ा था, रेक पिकर्स बने एंटरप्रेन्योर। रेक पिकर्स भी कठिन शब्द है कूड़ा बीनने वालों को, एंटरप्रेन्योर के लिए उद्यमी इतना अच्छा शब्द है। आज ही हिंदुस्तान में बहस चल रही है कि नया जो उपक्रम आया है भारत सरकार का, उसको कहा जा रहा है स्टैंड अप इंडिया, तो उसकी जगह हम उत्तिष्ठत भारत क्यों नहीं कह सकते, इतना बढ़िया है। स्वामी विवेकानंद का और वो उस पूरी भावभूमि को भी रेखांकित करता है जो आप स्टैंड अप इंडिया, आप यही कहना चाहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, स्वावलंबी बनिए, स्वाभिमान उत्तिष्ठत जागृत, उसको कितने अच्छे से परिचित करवाता है हिंदुस्तान से। तो भाषा की दरअसल कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है ये, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दायरों में बंद हो गए हैं, घुटने टेक चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं अंग्रेजी के वर्चस्व के आगे, और वो इसको पूरी तरीके से न्याय संगत भी मानते हैं कि अगर खिचड़ी हो गई। और एक और तर्क ये बड़ा दिया जाता है कि दूसरी भाषाओं ने भी बाहर के शब्दों को अपनाया है और इसलिए जो भी भाषा लचीली होती है दूसरे भाषा के शब्दों से, जंगल शब्द अपना लिया, बंदोबस्त, अरे आप ये गिनती के शब्द हैं, 40-50-100 शब्द जो अंग्रेजी ने अपना लिए हैं। हिंदी की हालत तो देखिए, 40-50-100 शब्द ऐसे रह जाते हैं जो हिंदी के हैं मूल, बाकी पूरा शीर्षक अंदर लिखी हुई सारी की सारी सामग्री अंग्रेजी में होती है। आपको अगर बाहर से हवा आने देनी है तो उसके लिए रोशनदान लगाना है, खिड़की लगानी है, लेकिन कोई दरवाजा तोड़ के आपके घर में आके घुस जाएगा तो कब्जा हो गया ना आपके घर के ऊपर। तो हम दो गलत चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। भाषा लचीली होनी चाहिए, हिंदी भी लचीली है। निश्चित तौर पर हमको कुछ ऐसे शब्द जो हम नहीं गढ़ सकते या जिनमें भाव अच्छे से आ रहा है उनको लेना चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती शब्दों को ठूस कर अपने शब्दों को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हैं। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी में अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।